सो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद हो कि आप सब अच्छे हो। तो गाइस, सब सबको मेरा चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज में जो गाइस आप सोच रहे हो कि गाइस अर्निंग से रिलेटेड वीडियो नहीं आने वाला है, गाइस बिल्कुल आज अर्निंग से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आने वाला है, क्योंकि गाइस इतने दिन में अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो गाइस मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं। गाइस कुछ और क्या? तो गाइस अब मैंने सोचा कि गाइस मेरा जो टेक चैनल है उसमें मैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियो मैं आपको बताऊंगा गाइस, जिसके आप जिस मेरा जो सब्सक्राइबर है उसको टेक से रिलेटेड एक एक से एक न्यूज़ आपको बताना जरूरी है मेरे लिए, ठीक है? तो गाइस आपके लिए बताना जरूरी है। तो गाइस ये मैं आज से मैं आपको यहाँ पे सब कुछ समझ लूँगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और अगर थंबनेल में देख लिया अगर टॉपिक किसके बारे में आ रहा है, तो गाइस उस टॉपिक को मैं बताने वाला हूँ कि गाइस जो यूट्यूबर्स जो क्रिएटर है गाइस, वो यूट्यूबर क्रिएटर्स नहीं के लिए है गाइस, जो भी उसको समझ नहीं पाएगा गाइस सिर्फ उस वही इस वीडियो को देखना, ठीक है गाइस? और मेरा इस वीडियो का पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, सभी को समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस? तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस मैं मेरा फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर चलाया हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं बता ही दिया गया सबको, जो जो भी गाइस यहाँ पे YT स्टूडियो को समझ में नहीं आएगा गाइस, वो भी वही इस वीडियो को देखें, ठीक है गाइस? क्योंकि इस पुराना वाला जो डैशबोर्ड है गाइस, यूट्यूब का जो डैशबोर्ड है, जो गाइस क्रिएटर स्टूडियो है, वो मैं आपको यहाँ पे आपको सामने होगा गाइस, मैं मोबाइल से ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस? तो गाइस ये मोबाइल का प्रोसेस थोड़ा ईजी है गाइस, ये आपको देख लेना, स्टेप बाय स्टेप वॉच करना वीडियो को इन तक, ठीक है गाइस? जिससे आप यहाँ पे फॉलो कर सको। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गाइस यहाँ पे जो फोन में जो क्रोम वाला क्रोम है गाइस, उसको क्रोम ब्राउजर में आपको ओपन कर लेना। तो गाइस मैं आपके सामने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको सामने चला आएगा। तो करना कुछ नहीं, आपको यूट्यूब वाला जो ऑप्शन दिख रहा है होम यूट्यूब का, यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो मैं आपके सामने होम यूट्यूब वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस होम यूट्यूब वाला ऑप्शन पर क्लिक करने का आप देख सकते हो गाइस ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने चला आएगा। तो अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे जो थ्री डॉट वाला आइकॉन दिख रहा है इसको गाइस आपको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। तो बस आपके सामने मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ। तो बस डेस्कटॉप साइड पे कर लिया, तो इस डेस्कटॉप साइड करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने चला आएगा। तो ऐसा कुछ इंटरफेस चलाने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करना है। तो अगर जूम करने का आपको जो चैनल का लोगो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस चैनल का लोगो पे आपको क्लिक करना है। तो अगर चैनल के लोगो पे मैंने क्लिक किया, तो इस चैनल के लोगो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे योर चैनल क्लिक के आ रहा है। तो अगर आपको योर चैनल पर क्लिक करना है, तो योर चैनल पर क्लिक करने के बाद आपका जो पुराना वाला चैनल है वो आपके सामने चला आएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से आपको करना क्या है, ठीक है? तो थोड़ा सा पोस्ट करता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो गाइस मेरा जो चैनल अभी आ चुका है तुम्हारे पास, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, आपको जो कस्टमाइज वाला चैनल है इसमें ऊपर चला जाना। तो गाइस कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ, कस्टमाइज चैनल के क्लिक करने के बाद आप थोड़ा लोडिंग लेगा। तो लेने के बाद आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने चलाएगा, ठीक है गाइस? तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो वीडियो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको जो फिर से आपको जो लोगो है उसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपको लोगो को क्लिक करना था, लोगो के ऊपर क्लिक करना है। तो इस लोगो के ऊपर क्लिक करने का आप देख सकते हो क्रिएटर स्टूडियो एक ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। तो गाइस ये एकदम न्यू है गाइस, ठीक है गाइस? आज ही मैंने इस ट्रिक को मैंने आपको सामने लेके चलाया। गाइस यहाँ पे कुछ बंदों ने यहाँ पे कह रहा था कि गाइस यहाँ पे स्टूडियो ये ऑप्शन हट गया है यूट्यूब से, नहीं गाइस ये ऑप्शन नहीं हट गया है, ये देख सकते हो आपके सामने ही मैंने यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो ऑप्शन को लेके चलाया। तो ऐसे करना, तो गाइस इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, वो पुराना वाला जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने रिवील हो जाएगा। तो देखो गाइस, तो देख सकते हो इस पुराना जो चैनल का डैशबोर्ड है वो आपके सामने चला आया, देख सकते हो ऐसा डैशबोर्ड था पुराना। तो देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा चैनल का करंट सब्सक्राइबर है वो आपको दिखा देता है। तो देख सकते हो मेरा जो भी करंट सब्सक्राइबर सब कुछ यहाँ पे वॉच टाइम्स वीडियो सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस जो भी इसको यूज़ नहीं करते हो तो गाइस इसको मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए गाइस यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो वीडियो वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस वीडियो वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब आपके सामने चलाएगा। तो देख सकते हो सबका वीडियो कितना व्यू हुआ है, कैसे हुआ है, तो गाइस कितने वीडियो है, आपको वीडियो कैसे व्यू हुआ है, डेट वाट सब आपके सामने यहाँ पे चला आएगा, ठीक है गाइस? तो गाइस यहाँ पे आपको वीडियो के नीचे आपको एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एनालिटिक्स के ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, तो एनालिटिक्स ऑप्शन में आपको मिलेगा जैसे आपको वीडियो का व्यू कितने आ है, ठीक है गाइस, वॉच टाइम कितना है, व्यू कितना है, सब्सक्राइबर कैसे गेन हुए, वो आपके सामने ऐसे आपको इंटरफेस लेके देगा, ठीक है गाइस? तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि गाइस आपको व्यूअर्स वॉच टाइम इस सबके ऊपर ये ये है गाइस, ठीक है, सबके ऊपर ये भरोसा है। तो गाइस ये ऐसे ही आपको गाइस ये चैनल एनालिटिक्स मिल जाएगा। तो चैनल एनालिटिक्स मिल जाएगा, तो गाइस यहाँ पे रीच एंगेजमेंट मिल जाएगा, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ऑडिशन के ऑप्शन भी मिल जाएगा, ऑडियंस का ऑप्शन, तो इस ऑडियंस का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
देख सकते हो सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा बंधन आपको जो मेल नोटिफिकेशन आएगा, अगर बस एज सब कुछ यहाँ पे जेंडर जो भी यहाँ पे दिखाएगा वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर जो भी गाइस यहाँ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे इसके नीचे आपको गाइस जो मिल जाएगा ये कॉमेंट वाला जो गाइस यहाँ पे आपका वीडियो पे कॉमेंट आता है वो भी आपके सामने चला आएगा, ठीक है गाइस। तो उसके नीचे आपको गाइस यहाँ पे जो फीड से ये आप ये वाला आइकॉन है चैनल मोनेटाइजेशन वाला वो भी आपके सामने आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ बस। तो गाइस ये देख सकते हो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन ऊपर क्लिक करते तो गाइस देख सकते हो गाइस ग्रो विथ यूट्यूब, तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस चला आएगा। तो गाइस यहाँ पे पुराना अकाउंट में ऐसे नहीं आता था, तो गाइस आप ऐसे ऐसे जो गाइस आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस देख सकते हो पुराना वाला जो स्टूडियो क्रिएटर है गाइस वो आपके सामने मैं लेके चला है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको करना है, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। तो गाइस आपको यहाँ पे नीचे जो मिल जाएगा नीचे जो अदर फीचर्स के ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे फीचर के ऑप्शन पे भी यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आपके यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा गाइस, बहुत अच्छे यहाँ पे है गाइस। तो ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे ये पुराना वाला जो डैशबोर्ड है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो को पूरा बता दिया हो तो क्या क्या करना है, अगर जो भी आपको प्रॉब्लम है गाइस वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। और गाइस यहाँ पे जो गाइस मेरा जो गाइस सबसे पहले अगर इस वीडियो को कैसा लगा अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब मार देना, जिससे मेरा ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। अगर इस वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा अगर जो भी मेरा टेलीग्राम पे नई चैनल पे नहीं ज्वाइन हो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम पे चैनल को देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो गाइस मेरे पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके चला आता हूँ, अर्निंग से रिलेटेड टॉप लूट डेल सफर में यहाँ पे लेके चला आता हूँ। जो भी यहाँ पे नहीं ज्वाइन किया अभी तक ज्वाइन हो जाना, ठीक है गाइस, जिससे कि आपको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके मेरे इस वीडियो से। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।